हर हर महादेव दर्शकों, इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जब हर कोई शिव और पार्वती के एक होने की खुशियां मनाता है, उनका अभिषेक करता है और एक चीज जिसका साल भर इंतजार करता है वो है भांग की ठंडाई। तो शिवरात्रि पर मिलती तो हर जगह, मगर क्या आपको पता है महाकाल की नगरी में इसे शुद्ध और देसी तरीके से कैसे बनाया जाता है? नहीं तो बिना किस देरी के वीडियो शुरू करते हैं, आपको ध्यान कैसे बनती है, तो चलिए मेरे साथ। तो शिवरात्रि का महाप्रसाद बनाने की शुरुआत होती है, जिसके लिए यहाँ पे भांग का इस्तेमाल करा गया। तो यहाँ पे सूखी भांग को ले लिया गया, जिसे डाला गया बाल्टी के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी भर के बाल्टी रखी गई थी, जिसके अंदर सूखी भांग के पत्ते डाले जा रहे हैं। अब एक एक करके सारे के सारे पत्तों को अच्छे से साफ करा जाएगा और साफ करने के बाद इन्हें ले लिया जाएगा एक बर्तन के अंदर। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये पीतल का बर्तन है, जिसके अंदर सारी की सारी भांग को ले लिया गया। अब गैस जला के चूल्हे के ऊपर इसे रख दिया जाएगा पकने के लिए। इसे करीब करीब आध घंटे पकाया जाता है, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला जाता है ताकि ये अच्छे से पक सके और जितना भी इसका कड़वापन है वो निकल सके। तभी तो भैया ठंडाई बेहतरीन बनेगी, कड़वी ठंडाई थोड़ी ना कोई पीना पसंद करेगा। तो जैसे ही ये सूख के तैयार, इसको ले लिया जाएगा एक सिलबट्टे के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी भांग के पत्ते यहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल गरम गरम पत्ते हैं, जिनको छाना जाएगा थोड़ा सा और उसके बाद बेले से पीसने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। गर्मा गर्म पत्तों को यहाँ पे पीसा जाता है ताकि जो उसका मीठापन है वो आ सके और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिलबट्टे में पीस के तैयार हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे पत्ते जो है ना बिल्कुल पीस के बिल्कुल तैयार है। अब इसका एक छोटा सा गोला बनाया जाएगा और इसे रखा जाएगा करीब करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये गोला लिया जाएगा, इसे हाथ से बिल्कुल मसला जाएगा और मसल मसाल के इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली जाएंगी। इन्हीं गोलियों से बनती है भांग की ठंडाई। एक गोली से एक गिलास भांग की ठंडाई बन जाती है, तो आप सोचिए कितनी पावरफुल गोली होगी। पर ये लोग कहते हैं कि ये नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि भांग का इस्तेमाल बहुत सारी जड़ी बूटियों में, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधि में करा जाता है। अब ली जाएगी एक भांग की गोली, ये आ गया काजू का पेस्ट, साथ में गया ये पिस्ता का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें इलायची का पेस्ट आ गया और ये आ गया आम। जो भी मौसम का फल होगा उसका इस्तेमाल करा जाएगा। अब इसमें आगे रबड़ी और दही का पेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके बाद बारी आ गई शक्कर की। तो यहाँ पे बिल्कुल पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि कपड़े से छानना जाता है तो उसके लिए पिसी हुई शक्कर ही बेस्ट रहती है। अब दूध डालते रहेंगे और दूसरी ओर से भैया इसे हाथ से मसल मसल के इसकी ठंडाई तैयार करेंगे। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत का काम है। जो हाथ वाली ठंडाई का स्वाद आता है ना, वो कभी भी बिलोने या मशीन वाली ठंडाई में आ ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधा गिलास दूध भी भैया ने डाल दिया और सारी की सारी ठंडाई को कपड़े में से निचोड़ा जाएगा। और यहाँ पे देखिए ठंडाई जो है ना बन के बिल्कुल तैयार है, इसे निकाल लिया जाएगा ग्लास के अंदर और अब इसकी होगी सजावट। भाई शिवजी जी का प्रसाद और उस पर कोई अलग सी सजावट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें ली गई है केसर, केसर से इस पे बनाया जाएगा ओम, ताकि भाई शिवजी जी इसे देख के हो जाए प्रसन्न और जो भी इसे पिए बाद में उसको भी मिले ढेर सारा फल। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर तरीके से ओम लिख दिया गया है। अब किस चीज का इंतजार है, चलते हैं इसका भोग लगवाते हैं और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। आप चाहे तो बिना भांग वाली ठंडाई भी पी सकते हैं, अगर आपको कोई भी वहम है या फिर आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरीके की ठंडाई बिल्कुल उपलब्ध है। आप भी लीजिए इसका आनंद महाकाल की नगरी में इस प्रसाद को और जय महाकाल कहना ना भूलेगा। बात करीजिए इसके फायदों की, तो इसके अनगिनत फायदे हैं। आप भी लीजिएगा इसका एक गिलास और इंजॉय करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, इस महाशिवरात्रि को शिव जी के मंदिर जाना ना भूले, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि वही है जो हमारी हर मुसीबत में काम आते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।